राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा महिला स्व सहायता समूह को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से लगातार सकारात्मक प्रयास देखने को मिल रहा है। इस क्रम में डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद के तर्ज पर ग्राम चैतुखपरी की समृद्धि महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को विक्रय करने एक आउटलेट डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना कर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल द्वारा किया गया। वैसे तो हम लोग पूरे विधानसभा में प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। ये हमारी चैतुखपरी की बहनें हैं, महिला बहनें, ग्रामीण महिला बहनें हैं, जिनको आज यहाँ पर शहर में एक रोजगार करने का वन स्टेशन वन उत्पाद के ये कार्यक्रम के तहत इनको यहाँ पर एक अवसर मिला कि वो अपने उत्पाद को लेकर शहरों में भी आ सके और जो अपनी घरेलू उपयोग की जो सामग्री है उसको यहाँ पर विक्रय करने का काम करेंगी। ईडी के सामने से पेश होने से कोई नहीं बन रहा है। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी एक पेपर हुआ करती थी हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई पेपर थी और जिसमें उसके मामले में दो तीन बार ईडी ने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया है और लगातार तीन दिन तक पता नहीं ईडी क्या पूछ रही है। आज भी ये तीसरा दिन है कि आज राहुल गांधी को बुला के परेशान करने की बात कर रही है और हम लोग उस परिवार के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तो इन चोरों से हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता रोज़ जा रहे हैं और ईडी वालों को यही पता नहीं है कि उनको पूछें क्या। राहुल जी खुद ही बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ था और जो राहुल जी ने आज अपने हलफनामे में ये भी बताया कि उनको ऊपर कितने पैसे के कर्ज हैं, ये भी उन्होंने शो किया है। जो आदमी कर्ज में डूबा हो वो ईडी का कैसा घोटाला कर सकता है। ये देश को पूरे बदनाम करने की साजिश है और हमारी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश इस देश में चल रही है, उसको हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम ग्राम चैतुखपरी मुढ़िया मुहारा समृद्धि समूह की हम महिलाएं बहन, हम लोग को वन स्टेशन वन प्रोग्राम का यहाँ स्टॉल लगाने के लिए जगह दिए हैं और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि शुद्धता की ओर, क्योंकि केमिकल बहुत बढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक कोशिश की हर चीज़ का, तो हम लोग हमारे मशीन से ही खुद बनाते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, चना दाल, राहर दाल और सरसों का तेल है, फल्ली का तेल है, ये जितना चीज़ ये प्रोडक्ट बना के यहाँ भी लगाए हुए हैं जी। आपका नाम? जी पुष्पा वर्मा।